आज भी चिंटू के स्कूल का एक साधारण दिन था, लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि कल से पूरे 10 दिन की दिवाली की छुट्टियां है, तो चिंटू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन रुको, इस दरिंदे टीचर ने दिया इन मासूम बच्चों को इतना इतना और इतना होमवर्क और ये 40 पेज का निबंध भी। हे भगवान, क्योंकि आखिर रटेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन चिंटू भी कहां हार मानने वाला था, उसने सोचा, मैं जाते ही अपना होमवर्क कंप्लीट करूंगा, फिर दोस्तों के साथ खूब मजे करूंगा और बहुत सारी मिठाइयां खाऊंगा, नए नए कपड़े पहनूंगा, खूब फटाके फोड़ूंगा। पटाखे से याद आया, इस बार मैं पक्का रिंकिया से अपने प्यार का इजहार करूंगा। ये बहुत मजा आएगा। हैप्पी दिवाली। पहला दिन चिंटू ने बड़े ही जोश के साथ शुरू किया। ये उसने बनाया दिया और ये बाती और बस। क्या चिंटू ने हार मान ली? नहीं, मेरे पास है एक मास्टर प्लान। आज तारीख है बम और स्कूल स्टार्ट होगी बम चिकी चिकी बम को। मेरे पास अभी भी 9 दिन है, तो आज थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ओहो, अब आप ही बताओ, क्या मोबाइल चलाने को आराम की श्रेणी में रखना सही है? कमेंट में जरूर लिखें। आज चिंटू बहुत खुश है क्योंकि उसकी मम्मी ने की है खरीददारी। चिंटू अपनी नई ड्रेस पहनने को बेताब है। Many months later. और टाड़ा। ओहो हो, ये तो चिंटू कम और चमेली ज्यादा लग रहा है। लेकिन इस चिकनी चमेली को देखकर भी आंटी जी ने कहा, अरे वाह, कितना सुंदर लग रहा है मेरा राजा बेटा। माफ करना आंटी जी, पर आप अपने बेटे के प्यार में अंधी हो चुकी है। आज चिंटू के दोस्त उसके घर आए हैं। लगता है आज जरूर कुछ धमाकेदार होगा। 12 seconds later. यार, आज कितना बोरिंग माहौल है ना। हाँ यार, तुझे एक बात बोलूं? हाँ बोल ना। हैप्पी दिवाली। सेम टू यू। Shit. आज फिर से चिंटू की मम्मी ने की खरीदारी, लेकिन मिठाइयों की। क्या डिटेक्टिव चिंटू उन मिठाइयों को ढूंढ पाएगा? जानते हैं ब्रेक के बाद। दिवाली का धमाकेदार ऑफर सिर्फ 1099 रुपए में पाए आज ही। क्या ये पटाखा दिख रहा है? हाँ, जला दिया। नहीं, जलाना नहीं था। इस दिवाली को रखे एनिमल्स का ध्यान और रोके ध्वनि और वायु प्रदूषण को। पटाखों से ध्वनि प्रदूषण? पर अनार तो जला ही सकते हैं, लेकिन वायु प्रदूषण तो उससे भी होगा, पर वो तो गाड़ियों से भी होता है। कितना अच्छा हो अगर मैं पास्ट में जा सकता, सब पैदल चलते, कितनी शांति, ठंडी हवा। अरे अरे, मिठाइयाँ तो मैं भूल ही गया। फोकस चिंटू, फोकस। समय हुआ है रात के 11:03 और ये डिटेक्टिव चिंटू ने खोला मिठाई का डब्बा, पर ये तो खाली है। अब सवाल ये है कि रसोड़े में कौन था? छोटी चिंटू। लेकिन आंटी जी ने मिठाई चिंटू को ही खिलाई। हैप्पी दिवाली दोस्तों, और आज चिंटू रिंकिया को इम्प्रेस करने के पूरे मूड में है। सारे पटाखों को एक एक करके जलाता हूँ, ज्यादा देर चलेंगे और फिर हाथ में पटाखे फोड़ूंगा तो रिंकिया पक्का इम्प्रेस हो जाएगी।
उसे लगेगा कि चिंटू कितना मर्द आदमी है। और फिर रिंकिया मुझे बोलेगी वो तीन चमत्कारी शब्द। ए पागल है क्या? फ्री डार्लिंग। फटा 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 फटा। और इस तरह चिंटू की फटी फटी फटी। ये आज मेरे घर पे आएंगे बहुत सारे मेहमान। बेटा चिंटू अंकल के लिए थोड़ा पानी लाना। अरे अरे चड्डा जी सिर्फ पानी? सोच रहा हूँ इस बार एक मर्सिडीज खरीद ही लूं। और बेटा चिंटू कुछ नौकरी वोकरी लगी कि नहीं? पर अंकल मैं तो 13 साल का हूँ। तो अभी क्या प्लान है फ्यूचर का? पर अंकल मैं तो 13 साल का ही हूँ। तो अभी फ्यूचर का क्या प्लान है? पर अंकल मैं तो सिर्फ 13 साल का ही हूँ। मेरा बेटा तो अमेरिका में इंजीनियर है। मैं 13 साल का ही हूँ अंकल। अरे अरे बेटा अंकल 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 मैं तो 13 साल का ही हूँ बेटा। चड्डा चिंटू चिंटू अरे चड्डा। और इस प्रकार चिंटू ने मनाई अपनी खुशियों भरी दिवाली, हैप्पी दिवाली। लेकिन चिंटू अपना होमवर्क तो चालू करना भी भूल गया। आ, 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 आ।